नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में नकली सोने को असली बताकर कम दामों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को मोरवा पुलिस ने धर दबोचा। मामले का भंडाफोड़ करते हुए ठग गिरोह के पांच आरोपियों के साथ एक सुनार को भी मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा गठित टीम ने आरोपियों को उस समय धर दबोचा जब एक व्यक्ति को ठगने की फिराक में थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को जेबी शाही ठेकेदार के यहाँ कार्य करने वाला प्रार्थी इंद्रजीत सिंह निवासी तोरमा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश जब दूध मनिया के पास रोड का कार्य करा रहा था, उसी समय रामदास साहू नामक व्यक्ति ने उसे धीरे धीरे परिचय कर बताया कि गोरबी खदान में लेबरों को कार्य के दौरान 12 सोने के बिस्कुट मिले हैं, जिसमें एक लेबर को 4 बिस्कुट मिले हैं। वो हर एक बिस्कुट 1.5 लाख रुपए में दे रहा है। प्रार्थी आरोपी रामदास की बातों में आकर 10,000 रुपए की व्यवस्था कर उसके साथ गोरबी जंगल गया, जहां आरोपियों के अन्य साथी मिले और सोने के बिस्कुट दिखाकर तसल्ली कराने लगे और उससे एडवांस रूप 10,000 रुपए ले लिया और 1,30,000 और लाने की बात हुई। अगले दिन ठगी के इंतजार में बैठे आरोपी उससे रेलवे स्टेशन में मिले और गोरबी के सभी जंगलों में ले गए, जहां पूरे पैसे न होने पर प्रार्थी के पास रखे 20,000 भी छुड़ा लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी इतने शातिर हैं कि इनके खिलाफ जिले के कई थानों में मामला दर्ज है। वहीं राजीव पाठक एसडीओपी मोरवा द्वारा बताया गया कि आरोपी ऐसे ही कई घटनाएं और आरोप कर चुके हैं। थाना मोरवा अंतर्गत हमने एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें प्रार्थी ने आकर बताया कि गोरबी की खदान के अंतर्गत एक मजदूर ने उसे बताया कि उसे 4 से 5 बिस्किट सोने के मिले हैं, जिसे अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। प्रार्थी इस लालच में आ गया और उसने उस सोने के बिस्किट को खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल में 5 लोग उसे मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये जो गोल्ड की बिस्किट है उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर उसे देते हैं, जिसकी तस्दीक कराने वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसे कंफर्म करके बताता है कि हाँ ये सोना ही है। चूंकि वो इस को इस कलाबाजी के साथ काटते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि गोल्ड का ओरिजिनल टुकड़ा उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ था। इसके बाद वो उससे और पैसे मांगते हैं और जंगल में जब वो 30,000 रुपए लेकर जाता है तो उससे वो पैसे छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने आ रही थी और यूपी के संबंधित जिलों में भी हमारी बात हुई, वहां पर भी ऐसी चर्चाएं हमारे सामने आ रही थी, जिसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही थी। इस ठगी गिरोह के 5 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया है और उस सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने ये पीतल की जो सिल्ली है उसको बनाने का कार्य किया था। इसमें मोरवा थाने के प्रभारी मनीष त्रिपाठी, साहबलाल सिंह, सरनाम सिंह, संजय परिहार, संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, ज्योति, जया और दुबे जी का विशेष योगदान है और इस तरह की कार्रवाइयां आगामी रूप से चलती रहेंगी। धन्यवाद।